आ साथे आगळ वात करीए अने समाचारोनी खेडूतो पर हजु बे दिवस मावઠાનું संकट यथावत रहेशे। राज्यमां बे दिवस सुधी कमोसमी वरसाद थशे, खास करीने सौराष्ट्र उत्तर गुजरातमां वरसादनी आगाही छे। दक्षिण गुजरातमां पण वरसाद पड़ी शके छे। वीजळीना कड़ाका भड़ाका साथे छूटो छवायो वरसाद पड़शे। बे दिवस पछी सूर्यदेव पोतानो प्रकोप बतावशे। राज्यमां કાળઝાળ गरमी पड़वानी आगाही छे। 9 मे थी अमदावादमां येलो एलर्टनी आगाही छे। तो राज्य में 3-4 डिग्री तापमान वधशे। मोटा भागना जिल्लाओं में गर्मी नो प्रकोप देखाशे। गुजरात स्टेट में डे 1 डे 2 में हम रेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कल भी देखा रिले स्टेट में स्कैटर्ड हो गया सौराष्ट्र कच्छ में, गुजरात जी में आइसोलेट हो गया। बट डे 1 में भी अभी एक साउथ ईस्ट राजस्थान में एक साइसर है, उसके इन्फ्लुएंस से हमें बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरा गुजरात रीजन में। तो आइसोलेट रेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आइसोलेट रेन थंडर एक्टिविटी डे 2 में रिडक्शन हो जाएंगे। डे 2 में खाली 4-5 डिस्ट्रिक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट डे 3 से हम ड्राई वेदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रेजुअल राइस होगा 3 से 4 डिग्री नेक्स्ट 3-4 डेज में। देखो अहमदाबाद और गांधीनगर में डे 1 में लाइट रेन थंडर एक्टिविटी एक्सपेक्ट है डे 1 के लिए, और जो टेम्परेचर है डे 2 से हम राइस एक्सपेक्ट करें। इवन अहमदाबाद देखा जाए डे 5 में 41 तक एक्सपेक्ट करें, इससे डे 5 में सिटी में 14 के आसपास जाएंगे डे 4 डे 5 में, बाकी कुछ वार्निंग नहीं है। अभी देखो एक सिनोप्टिक सिचुएशन में एक साउथ वेस्ट राजस्थान में साइसर है, उसके वजह से बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डे 2 के बाद वो भी निकल जाएंगे। बाद में हमारा विंड है पैटर्न लाइक नॉर्थ वेस्ट बहुत सारे जगह पर नॉर्थ वर्ली नॉर्थ वो विंड पैटर्न आ जाएंगे। बट इसीलिए टेम्परेचर देखा जाए भी नॉर्थ गुजरात एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ सौराष्ट्र में आपको 2-3 से 4 डिग्री राइज हो जाएंगे टेम्परेचर। बट साउथ गुजरात में आप डे 4 या कोस्टल सौराष्ट्र में डे 4 तक ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं रहेगा मैक्सिमम टेम्परेचर में। सिस्टम भी अभी 7-8 की बात ही बनेगा, तो तब हमारा इफेक्ट एज ऑफ कुछ नहीं है। बट ये जो है ना WD नहीं है, इसलिए हमारा बारिश खत्म हो रहा है डे 1 डे 2 के। फिर अभी एज ऑफ डे 5 तक कोई दूसरा WD नहीं आया। सूरत ना कतारगामा व्याज